केंद्र सरकार अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में पढ़कर बताया। इस बजट में सभी वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई, जिसमें वेतनभोगी, व्यापारी, किसान के साथ ही आम वर्ग को भी साधने का काम किया गया। बजट में किसानों के आय दोगुनी करने के लिए कई तरह के कवायद करने की भी बात कही गई, तो वहीं टैक्स स्लैब से वेतनभोगी और व्यवसायी वर्ग को भी साधने का प्रयास किया गया। इसको लेकर गाजीपुर में किसानों और आम जन से बजट से मिलने वाले लाभ के बारे में बात करने का प्रयास किया गया, तो कुछ लोगों ने इसे लोक लुभावन बजट बताया तो कुछ ने किसानों के अनुकूल बजट का नहीं होना बताया। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने इस बजट को आम जन के हित वाला बजट बताया। कुछ उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के परे कि सरकार जा रही, हर चीज की महंगाई, जबरदस्त महंगाई, जिससे कि किसान त्रस्त है। ऊपर तो पार्लियामेंट में बैठकर लोग देखते हैं कि नहीं, किसान बहुत खुशहाल है, मजदूरी बढ़ रही है, खेत का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से जुताई प्रभावित हो रहा है, और एक चाय बनाने वाला अपने आगे से चाय बना कर के दाम निर्धारित करता है, और किसान दिनों रात काम कर कर अन्न उपजाता है, और पार्लियामेंट में बैठ कर के लोग उसका दाम निर्धारित करते हैं। ये किसान के लिए सौतेला व्यवहार नहीं है? क्यों नहीं इसका गला कि फैक्ट्री घोषित कर देते हैं, जिससे कि देखिए इस सरकार से किसानों के लिए क्या उम्मीद किया जाए, जब किसान पूरे एक वर्ष से ज्यादा धरने प्रदर्शन पर थे, कितने किसानों की मृत्यु हो गई, इसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगा। इस बजट से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं है। जहां 50 केजी खाद मिलती तो वहां 45 कर दिए, खाद का दाम 400 की जगह 1000 कर दिए, 1200 कर दिए। क्या उम्मीद करी सरकार? क्या उम्मीद थी इस बजट से आप लोगों को? इस बार ये लग रहा था कि चुनाव का समय है, हो सकता है कि किसानों को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ये सरकार के अंदर जो है कोई दया नाम की चीज नहीं है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में स्थापित सरकार का ये इस सरकार का 6वां अंतरिम बजट है। इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उस लक्ष्यों के पूर्ति के लिए यह बजट पूरी तरह से गतिशील है। देखिए किसान तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो बार बार किसान सम्मान निधि की बात करते थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और जो DAP है, खाद जो है इतनी महंगी है, ये कहते थे कि आज दुगुना कर देंगे, तो आज दुगुना करने का वजह था कि जो है कि न किसानों का खाद का रेट घटा, न ही किसानों के प्रति कोई सुविधा मिली, उनका आज दुगुना कैसे। हम लोग इस बजट से हम लोग की उम्मीदें बहुत थी, बाकी उम्मीद पर सरकार खड़ा नहीं उतरी। जैसे आलू की पिछली सरकार ने पिछले सत्र में कही थी कि आलू की भी हम खरीद करेंगे, आलू की भी खरीद नहीं की। उसके बाद गेहूं हम इतने पैसे खरीदेंगे, दो दुगने आय बढ़ेगी, कहाँ दो दुगना आय बढ़ेगी, उसकी जो है बजट है बढ़ जा रही है, गेहूं की पैदावार उससे अधिक नहीं होगी ना, और उसकी लागत अधिक होती जा रही है। और उसके बाद पेट्रोल के भी दाम, तो पेट्रोल तो छोड़िए किसान से मतलब नहीं है, बल्कि यूरिया जो डीजल है, डीजल का भाव बढ़ रहा है, जो रसोई का सामग्री है 1200 के भाई 1000 हो गया, सरकार कह रही थी 300-400 रहेगा गैस, गैस का बोझ तो हर लोगों को पड़ रहा है भार, और मैं यूरिया